सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि थाना इंद्रापुरम की चौकी अभयखंड के अंतर्गत आज दिनांक 24 मार्च को एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना को अनावृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि थाना इंद्रापुरम की चौकी अभयखंड के अंतर्गत आज दिनांक 24 मार्च को एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना को अनावृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि थाना इंद्रापुरम की चौकी अभयखंड के अंतर्गत आज दिनांक 24 मार्च को एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना को अनावृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि थाना इंद्रापुरम की चौकी अभयखंड के अंतर्गत आज दिनांक 24 मार्च को एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना को अनावृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि थाना इंद्रापुरम की चौकी अभयखंड के अंतर्गत आज दिनांक 24 मार्च को एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना को अनावृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि थाना इंद्रापुरम की चौकी अभयखंड के अंतर्गत आज दिनांक 24 मार्च को एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना को अनावृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।